हे एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज, दिस इज डे वन इन मालदा मंदिर ब्लॉग पार्ट टू। तो गाइज़, जैसा कि मैंने पार्ट वन में आप लोगों को बताया था कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती, इसीलिए मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इफ़ यू आर एक्साइटेड एज आई एम, मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ आर ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जा रही हूँ मालदा के दो फेमस मंदिर, मेरे साथ साथ आप लोग भी भगवान का आशीर्वाद ले लेना। तो गाइज, ये है मनस्कामना काली टेम्पल, जो यहाँ का बहुत ही विख्यात और फेमस मंदिर है। इसकी लोकेशन है मनस्कामना रोड और ये सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक खुली होती है और शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक। तो गाइज, हमने माँ को चढ़ाने के लिए प्रसाद ले लिया है और इस प्रसाद में हमें अपना नाम और गोत्र लिखना पड़ता है, ताकि जब पूजा हो जाए तो एंड में वो सबके नाम पढ़ के उन्हें उनके प्रसाद को दे दे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ जानती नहीं इस मंदिर के बारे में, बट इतना जानती हूँ कि अगर आप कोई मन्नत करते हो तो माँ आपकी मन्नत को पूरा करती हैं, इसीलिए ये मंदिर बहुत ही विख्यात मानी जाती है मालदा में। लोग बहुत दूर दूर से अपनी मन्नत करते हैं और यहाँ अपनी मन्नत पूरी होने के बाद पूजा देने के लिए आते हैं। और गाइज, बिलीव मी, अगर आप काली माँ को दिल से मानते हो तो माँ आपकी हर एक इच्छा पूर्ति करती हैं। तो हमारी पूजा कंप्लीट हो गई तो हम लोगों ने साइड में बैठ के पिक्चर्स क्लिक कराया और फिर वहाँ से निकल गए दूसरे मंदिर के लिए। और जिस मंदिर में जा रहे हैं वो मंदिर भी बहुत ही फेमस है, तो मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ वो मंदिर क्यों फेमस है। तब तक के लिए चलते हैं वहाँ पे। तो ये है हनुमान मंदिर, जैसा कि मैंने बताया था ये भी बहुत ही विख्यात मंदिर है मालदा में। इसकी लोकेशन है बालूचौर। वैसे तो गाइज, हनुमान मंदिर मालदा में बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो मंदिर है ये बहुत ही विख्यात है। यहाँ पे मंगलवार और शनिवार को बहुत ही भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ की आरती इतनी अच्छी होती है कि क्या ही बताऊँ आपको। वैसे हम लोग भी शनिवार के ही दिन गए थे और इस दिन गणेश पूजा भी थी, तो सोचा आज ही भगवान के दर्शन कर लिए जाए। हम मॉर्निंग में गए थे मंदिर, क्योंकि शाम को यहाँ पे बहुत भीड़ होती है आरती में, तो शाम के टाइम में पूजा नहीं हो पाता, इसीलिए सुबह जाके हमने सब भगवान की अच्छे तरीके से पूजा की। वैसे सच ही कहा है किसी ने कि मंदिर में आके बहुत सुकून और शांति पूर्वक लगता है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी हैं और यहाँ पे शिव जी भी हैं, तो मैं उनकी भी दर्शन करा दूंगी आपको। वैसे गाइस, एक बात और बता दूं कि यहाँ पे हनुमान जयंती बहुत अच्छे से होती है, बहुत बड़ी लड्डू चढ़ाई जाती है और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं हनुमान जयंती के लिए, क्योंकि मालदा का बहुत फेमस हनुमान मंदिर है ये। गाइस, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने यहाँ का एक बार ही हनुमान जयंती देखा था और मैं बहुत भावुक हुई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, इसीलिए मैं जब भी वहाँ जाती हूँ मालदा तो मैं हनुमान मंदिर ज़रूर ही जाती हूँ। और हाँ, अगर आप यहाँ पे चाहो कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो वो लोग वहाँ पे आपको छोटी छोटी किताब भी देते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। दीदी और मेघा ने जब तक वहाँ पे पूजा किया, मैंने चालीसा लेके पढ़ भी लिया था, क्योंकि मैं हर दिन तो घर पे चालीसा पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे देखना था कि मंदिर में चालीसा पढ़ते हुए कैसा फ़ील होता है। तो एक बात बताती हूँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छी फील होती है जब आप वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ते हो। तो ये है शिव जी, जो छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है मंदिर के अंदर ही। और जहाँ पे हनुमान मंदिर हो वहाँ पे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गाइज, इनका रहना भी तो ज़रूरी है ना, इसीलिए यहाँ पे राम जी और सीता जी साथ में है। तो ऑलमोस्ट मैंने मंदिर की पूरी दर्शन कराई दी है आप लोगों को, तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और गाइज, आगे के वीडियो के लिए मुझे सजेस्ट करना कि कौन सी ब्लॉग बनाओ। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, और मेरे साथ ऐसे ही अगले ब्लॉग के लिए बने रहे। तब तक स्टे क्यूरियस और कीप एक्सप्लोरिंग।